अब मैं चल रहा हूँ काजा की तरफ को, और वहाँ से एक पॉइंट आएगा, वहाँ से रास्ता कट जाता है लांगजा की, और लांगजा हिकिम की तरफ को। ये जो सामने वाला रास्ता है ये काजा की तरफ जा रहा है, लेकिन ये टूटा हुआ है। आगे दिख तो रहा है टर्मिक रोड ये, लेकिन चलो देखते हैं कहाँ जाकर ये टर्मिक रोड मिलता है। ये देख रहे हो, ये वही वाली खाई है चिचम ब्रिज वाली, कितनी खतरनाक वाली है देखो खाई, और मिट्टी देखो कैसे आई हुई है इस पर ऊपर से कट कट कर। और वो सामने ऊपर है किब्बर विलेज, किब्बर विलेज मुझे जाना नहीं है अभी, मैं जाऊंगा पहले की मॉनेस्ट्री। और की मॉनेस्ट्री से फिर जाऊंगा मैं नीचे काजा वाली साइड को, और वहां से निकलूंगा मैं लांगजा कॉमिक और हिकिम की तरफ को। वो सामने एक ग्रीन ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, वो रास्ता जाता है किब्बर की साइड को, और मुझे वहाँ नहीं जाना। और ये आया वो एक पॉइंट जहाँ से एक रास्ता नीचे काजा की तरफ चला जाता है, और ये रास्ता ऊपर किब्बर वाली साइड को चला जाता है, और मुझे जाना है यहाँ से नीचे। चलो चलते हैं, तब तक आपको दिखा दूँ ये वही वाली खाई है जो चिचम ब्रिज की तरफ जा रही है। ये यहाँ से ऐसे गई, फिर उसके बाद उधर से घूम के उधर से चिचम ब्रिज की तरफ से उधर की तरफ निकल गई, और वो है खूबसूरत सामने चिचम विलेज। और उसी पॉइंट से मुझे मिल गया है ये खूबसूरत सा टर्मिक रोड। अब 14 किलोमीटर यहाँ से काजा है, और 29 किलोमीटर यहाँ से हिकिम पड़ेगा। चलो पहले चलते हैं काजा वाली साइड को, और वहाँ से चलूँगा फिर हिकिम। सो गाइस, यहाँ से दिखाई दे रही है ये खूबसूरत स्पीति वैली का खूबसूरत नज़ारा, सोचा आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ से। और यही है वो स्पीति व्यू पॉइंट, क्या बढ़िया नज़ारा है यार, वाओ। आगे जाकर आपको दिखाता हूँ थोड़ा और आगे जाके, हवा तेज चल रही है यहाँ पर। ये देखो खूबसूरत स्पीति वैली, सच में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। ये देखो नज़ारा, नीचे देखो लोगों के खेत हैं, नीचे फसल काटी हुई है लोगों ने यहाँ से। और इसी के साथ वो सामने एक जगह आई है, और उस जगह से जाया जाएगा की मॉनेस्ट्री की तरफ। तो चलो चलते हैं की मॉनेस्ट्री, आप लोगों को दिखाता हूँ की मॉनेस्ट्री एक बार फिर से। वेलकम टू द की मॉनेस्ट्री। यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है की मॉनेस्ट्री। वो एक सामने खूबसूरत की मॉनेस्ट्री, देखो कैसे पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, और इस की मॉनेस्ट्री से नीचे की स्पीति वैली का क्या खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। वहाँ से एक खूबसूरत सा व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा इस पूरी स्पीति वैली का। तो चलो चलते हैं उस की मॉनेस्ट्री के पास। पहुँच गया मैं उस की मॉनेस्ट्री के पास। चलते हैं देखते हैं, व्हीकल तो सारे यहीं पार्क हुए हैं। तो इसी के साथ मैं पहुँच चुका हूँ की मॉनेस्ट्री के पास, और मेरे पीछे आप देख सकते हो यही है वो फेमस यहाँ की स्पीति की मॉनेस्ट्री। इस की मॉनेस्ट्री के आसपास का खूबसूरत सी स्पीति वैली का नज़ारा आपको मैं कैमरा के दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो खूबसूरत स्पीति वैली, वाव। ये देखो कितने सारे ये खेत हैं, और इसमें से खेती कट चुकी है। और ये है वो खूबसूरत की मॉनेस्ट्री। क्या खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ से दिख रहा है स्पीति वैली का। और यहाँ के देखो पहाड़ कितने खतरनाक, ये देखो कितना ऊंचा पहाड़ है,
और इससे ये लैंडस्लाइड धीरे धीरे होती रहती है, मिट्टी पत्थर गिरते रहते हैं। अपना चीता यहाँ खड़ा है और इस की मोनेस्ट्री का खूबसूरत सा टाइम लैप्स शॉट मैं ले रहा हूँ, तो देखिए इस टाइम लैप्स शॉट को, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। मॉन्स्ट्री के अंदर कैमरा और वीडियोग्राफी करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा सका। तो अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ काजा की तरफ को। मैं सोच रहा हूँ कि पहले पेट्रोल फिल करवाया जाए, फिर हिक्किम, लंगजा और कॉमिक विलेज देखा जाए, उसके बाद मैं वहाँ से दैमुल विलेज जाऊँगा, दैमुल विलेज से ताबो की तरफ निकल जाऊँगा। तो प्रोग्राम मेरे को यही सही लग रहा है, तो चलो चलते हैं, पहले काजा पहुँचते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। तो गैस चलने का टाइम हो गया है यहाँ से की मोनेस्ट्री से, और चलते हैं काजा वाली साइड को, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। और यहाँ पे देखो खूबसूरत नज़ारा स्पीति वैली का, अभी कुछ ही देर पहले आपको मैंने दिखाया था इसका खूबसूरत सा टाइम लैप्स शॉट, और यहाँ से दिखाई दे रही है खूबसूरत की मोनेस्ट्री, ये देखो। और इस की मोनेस्ट्री से बाहर का नज़ारा जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर से दिखाया था, ये देखो कितने सारे खेत बने हैं लोगों के, और उस तरफ भी सामने खेत हैं, और वो सामने जो एक विलेज दिखाई दे रहा होगा ये की विलेज है, अब मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो चलते हैं उस तरफ। तो पहुँच चुका हूँ मैं की में, और की में देखो कितने सारे होम स्टे वगैरह हैं, रुकने की फैसिलिटी पूरी है यहाँ पर, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे स्टे कर सकते हो। एवरेज जो रूम का ख़र्चा है यहाँ पर सितंबर मंथ में वो 800-1000-500 में भी मिल जाते हैं, 500 से लेके 1000 के बीच में आपको इजीली रूम मिल जाएगा। 2021 में जब मैंने की में स्टे किया था तो उन्होंने 1000 रुपये हमसे लिए, और उस 1000 रुपये में नाइट का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट इंक्लूड था पर पर्सन, हम दो लोग थे तो टोटल 2000 लिए उन्होंने। और मैं दिखाता हूँ आपको इस वाले होम स्टे में मैंने स्टे किया था, ये आ गया वो सामने होम स्टे, यंग हिल होम स्टे एंड कैफ़े, इसी में हमने स्टे किया था, और ये है कुछ ऐसा। चलो चलते हैं, आज तो स्टे करना नहीं है यहाँ पर, फिर कभी आएंगे, फिर कभी स्टे करेंगे यहाँ पर। और वो सामने है काजा और उसी तरफ मैं जा रहा हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर रह गया काजा, 7-8 किलोमीटर, और ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, इसी से दूसरा रास्ता जाता है काजा से लोसार वाली साइड को, और इस रास्ते से इस तरफ होते होते ये रास्ता इस तरफ से ऐसे निकल जाता है लोसार वाली साइड को। तो ये देखो क्या नज़ारा है इस खूबसूरत वैली का और ये स्पीति रिवर का, और मुझे जाना है उस तरफ आगे की तरफ, और ये जो रास्ता ऊपर चढ़ रहा है ना दिखाई दे रहा है आपको, यही जा रहा है हिक्किम लांगजा वाली साइड को। तो चलो चलते हैं उस तरफ और देखते हैं क्या है खूबसूरत नज़ारे वहाँ के। हाइट से मैं आ चुका हूँ बिल्कुल नीचे, और मेरे साथ साथ राइट साइड में बहेगी ये स्पीति रिवर, और यहाँ पे देखो खूबसूरत नज़ारा इन खतरनाक पहाड़ों का, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, और यहाँ देखो यहाँ से आता है बहुत ज़्यादा पानी इन पहाड़ों के बीच में से, और मुझे शायद लग रहा है ये चीचम ब्रिज वाली साइड से ना आ रहा हो, क्योंकि इसी तरह के पहाड़ बने हुए हैं वहाँ पर, ये देखो ऊँचे ऊँचे इसी तरह के पहाड़ हैं वो। और
और ये छोटी सी नदी भी मिल जा रही है स्पीति रिवर में। और इसी के साथ आगे आए है ये ब्रिज, जहाँ से एक दूसरा रास्ता चला जाता है लोसार की तरफ को, और एक रास्ता जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ ये रास्ता जाता है चीचम होते हुए लोसार की तरफ। मुझे तो जाना है यहाँ से सीधा, और ये है नीचे स्पीति रिवर, और उस तरफ से भी एक छोटी सी नदी आ रही है बहकर, जो कि मिल जा रही है इस स्पीति नदी में। और यहाँ से स्पीति नदी फिर से हो गई है वाइड, और यहाँ से जा रहा है वो ऊपर रास्ता लंका की तरफ। तो अभी मैं कंफ्यूजन में हूँ, मुझे करना क्या है, चलो देखते हैं। ये है काजा का कूड़ेदान, कैसे ओपन में कूड़ा फेंका हुआ है। कोई सही सी जगह बना लेते, ये देखो। यहाँ से अगर तेज़ हवा आएगी तो उससे उड़ उड़ कर जाएगा वो स्पीति नदी में। और वो देखो इंडिया के फ्लैग बनाए हुए हैं सामने पहाड़ के ऊपर, वो उसका नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको ऊपर जाकर लांगजा वाले रूट से। ये आ गया वो पॉइंट जहाँ से टर्न लेके जाना है ऊपर, और यही है लांगजा जाने के लिए रास्ता। मैंने डिसाइड किया पहले बाइक का फ्यूल करवाते हैं टॉपअप, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से लांगजा की तरफ, लांगजा से बाद आगे निकलेंगे हिक्किम, हिक्किम से कॉमिक, और कॉमिक विलेज से एक रास्ता चला जाता है, वो जाता है जैमूल वाली साइड को, और जैमूल से वो रास्ता जाके मिलता है काजा और टाबो के बीच में जाकर। तो चलो चलते हैं यहाँ से, पहले पेट्रोल फिल करवाते हैं उसके बाद चलता हूँ मैं लांगजा की तरफ। और इसी के साथ आ गया ये पेट्रोल पंप जहाँ पे करवाते हैं हम अपना बाइक का पेट्रोल फुल। और वेलकम टू द वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट, काजा का ये पेट्रोल पंप वर्ल्ड का हाईएस्ट रिटेल आउटलेट है, 12,270 फीट की हाइट के ऊपर, 3740 मीटर इसकी हाइट है। चलो पेट्रोल करवाते हैं यहाँ पे पहले फुल। तो गैस आया है यहाँ पे 465.69 और 4.63 लीटर पेट्रोल आया है इस टाइम मेरी बाइक में। तो ये निकली इसकी माइलेज, 215 किलोमीटर बाइक चली है और 4.63 लीटर पेट्रोल आया इसमें टोटल, तो टोटल 46 की माइलेज निकली है। पेट्रोल हो चुका है बिल्कुल फुल, और अब मैं निकल गया हूँ यहाँ से लांगजा विलेज की तरफ, और लांगजा से जाऊँगा मैं हिक्किम, हिक्किम से कॉमिक, कॉमिक होते हुए फिर मैं निकल जाऊँगा डैमूल, एक विलेज है वो जगह मैंने देखी नहीं है तो उसको जरूर देखूँगा पहले, और वहाँ से वो रास्ता निकलेगा जाकर काजा से ताबो वाले रास्ते के बीच में लिदांग के पास। तो चलो चलते हैं यहाँ से सीधा, पहले पहुँचते हैं लांगजा विलेज। सो इसी के साथ मैं पहुँच गया उस पॉइंट पे जहाँ से मुझे लेना है राइट टर्न, और राइट टर्न लेकर मैं चला जाऊँगा ऊपर लांगजा विलेज की तरफ। ये रोड पहले कच्चा था, अब ये बना दिया गया है तो थोड़ा टाइम बचेगा मेरा। और ये काफ़ी अच्छी खासी हाइट है, एकदम हाइट पे जाना है, और हाइट पे जाते जाते थोड़ी सी बैंड तो बजेगी बाइक की हल्की हल्की। हालांकि MT-15 ने अपनी पावर से और परफॉर्मेंस से मुझे कहीं भी नाराज नहीं किया। देखो कितनी सारी बियर की बॉटल्स फेंकी हुई हैं, ये देखो ये क्या जगह है, कितना कूड़ा फेंका हुआ है यहाँ पर। ये देखो खूबसूरत स्पीति वैली का भी बहुत बढ़िया व्यू नज़र आएगा यहाँ से ऊपर, जैसे जैसे उस हाइट पे पहुँचूँगा मैं। चलो चलता रहता हूँ उसी तरफ, रास्ता अच्छा बना दिया यार, कुछ भी हो लास्ट के स्पीति ब्लॉग में आप देख सकते हो तब ये रास्ता टूटा हुआ था, तब ये बन रहा था, थोड़ा सा इसे चौड़ा कर रहे थे किनारे से, लेकिन इस बार तो ये रास्ता बढ़िया बना दिया यार। चलो अच्छी बात है, चलो चलते रहते हैं इसी तरह, तब तक आप इंजॉय कीजिए इस म्यूज़िक को। कॉमिक यहाँ से 19 किलोमीटर है, पहले लांगजा जाना है, लांगजा के बाद निकलना है मैंने
इधर हिकिम, हिकिम से कॉमिक। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कैमरा के दूसरे एंगल से यहाँ की स्पीति वैली का एक खूबसूरत नज़ारा जो कि है ठीक आपके सामने। यहाँ से दिख रहा है वो काजा का सिटी का क्या खूबसूरत नज़ारा। ये देखो, ये है वो काजा सिटी, और नीचे ये स्पीति रिवर का क्या बेहतरीन नज़ारा, कैसे स्प्लिट हो गई है, पूरी पूरी स्पीति नदी बह रही है। और ये देखो नज़ारा, वाओ क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है। और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है दूसरे वाला रास्ता, जिस रास्ते से मैं नहीं आया हूँ। और ये देखो क्या नज़ारे हैं, वाह भी वाह, मज़ा आ गया यार, सच में ब्यूटीफुल लोकेशन। और इस नदी का शोर यहाँ तक आ रहा है। एक बार आपको वो देखो, एक पहाड़ पे फ्लैग बने हुए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, जूम करके दिखाया मैंने आपको, हमारा इंडियन फ्लैग बना हुआ है वहाँ पर। और ये देखो कितना डेंजरस रास्ता है, यहाँ से अगर आप गए, देखो ये रोड है, और यहाँ से गए तो कहाँ जाओगे, नीचे कोई चांस नहीं है बचने का, तो इसलिए आराम से संभल के चलाओ। और ये रास्ता जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है डबल लेन, और ये रास्ता किस तरफ जा रहा है इसका मुझे पता नहीं, वहाँ पे कोई गांव वगैरह है शायद, उस तरफ जा रहा होगा। तो चलो चलते हैं अपनी जर्नी टुवार्ड्स लांगजा, मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग में। तो कैसा लगा आपको ये खूबसूरत स्पीति वैली का और ये स्पीति नदी का खूबसूरत नज़ारा? उम्मीद है जरूर पसंद आ रहा होगा। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस व्यू के बारे में तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। तो चलो चलते रहते हैं इसी तरह आगे की जर्नी के लिए।